दिस इज लुकिंग सो गुड. मेकअप कलेक्शन पे. So finally, एक और एक ब्लॉग लॉन्ग फॉर्म वीडियो आ गया है. एंड आज का वीडियो बिल्कुल बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि आज की वीडियो के एंड में होने वाला है गिवअवे. इस बार कोई यूज्ड प्रोडक्ट वाला नहीं है, एक्चुअली अच्छा 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 सब निकाल के रखा है. और यूज्ड वाला भी था तो वो भी मैंने पहले ही बता दिया था, तो ऐसा कुछ नहीं है. तो उसके वीडियो के एंड में होने वाला है गिवअवे. तो दिसंबर एंड वाला, ओ हाय एवरीवन, चुप रहो तुम, चुप रहो. दिसंबर में एक होने वाला है, मतलब दिसंबर तक ये खत्म हो जाएगा. और जनवरी की स्टार्टिंग में भी एक गिव अवे होने वाला है. अभी जा रही हूँ कॉलेज. ओके, तो ऑफिशियली वैसे मैंने बताया है, पर ऐसे लॉन्ग फॉर्म वीडियो में मैंने आपको नहीं बताया. शॉर्ट वीडियो में तो मैंने बता दिया था कि मैं पास आउट हो गई हूँ LLB फाइनली. और अभी मैं जा रही हूँ अपने कॉलेज, और वहाँ से मार्कशीट्स लेनी है, और मार्कशीट लेकर फिर आज जाऊँगी क्या यूनिवर्सिटी वो नहीं पता, पर रजिस्ट्रेशन करना है. अभी वही मैं तैयारी कर रही हूँ कॉलेज जाने की, और फिर वहीं से मैं ऑफिस चले जाऊँगी. और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल. नाउ मैं फटाफट से तैयार हो जाती हूँ. एंड देखो, मैंने ये वाला लिया है, ये रोटेट वाला. अब यहाँ पे इतना ज़्यादा पसारा रखा है कि वो गोल नहीं घूमेगा, बट ये वाला लिया है. इसको मैं बाद में अच्छे से दिखाऊँगी जब मैं इसका ना अपना वो करने वाली हूँ, क्या बोलते हैं, मेकअप टूर, मेकअप कलेक्शन टूर. मोस्ट प्रोबेबली यही है कि फिर से कम 5-6 दिन हो गए हैं मैं फिर से जुम्बा क्लास नहीं गई हूँ. क्या करूँ, मेरे को मोटिवेशन ही नहीं आ रहा यार, इसलिए नहीं गई हूँ. मम्मी तो रोज़ उठती है और रोज़ मैं वापस सुला देती हूँ, आज भी वही हुआ. अच्छा, लिपस्टिक तुझी अच्छा कर. वेरी गुड, वाओ, मस्त, छान. आजकल ये मेरा ब्रेकफास्ट रह रहा है, मतलब प्रॉपर खाना मैं खा रही हूँ. आप बताओ आप कि मैं क्या ही वेट लॉस करूँगी, हाँ, इतना खाना खाने के बाद. थोड़ा मिर्ची और क्या बोलते हैं, मिर्च पाउडर वाले पराठे हैं, और ये सब्जी आलू मटर की. मम्मी नहीं, इतना सारा थोड़ा सा सेलर है. मम्मी तो क्या खाना खा रही है, सुबह सुबह तो, और कल भी खा सकते हो, रात को इसमें दही है. मेरी मम्मी मेरे को खिला खिला के मोटा कर देंगी, और फिर मेरा ऐसे ही मोटिवेशन लूज होता जाएगा. यस, बस. अब मैं जा रही हूँ कॉलेज, नाश्ता पानी हो गया है, और इतना खाया भाई साहब मैंने और आयु ने मिलके. अब बताओ, इतना अगर मैं खाऊंगी तो फिर कहाँ से वेट लॉस होने वाला है ना. धूप बहुत अच्छी लग रही है यार, ठंडी में धूप अच्छी लगती है, गर्मी में धूप भी अच्छी लगती है. अभी मैं निकलती हूँ क्योंकि लेट हो रहा है, फिर कॉलेज से ऑफिस भी जाना है. ठीक है, तो मैंने ये बताया ही नहीं कि मैं अपनी मार्कशीट्स लेकर आ गई हूँ. अब मैं जा रही हूँ प्रोविजनल डिग्री लेने, तो मैंने सोचा आज ही निपटा लेती हूँ, फटाफट से हो जाएगा. छुट्टी वगैरह भी आज ज़्यादा काम भी नहीं है, हेक्टिक नहीं है शेड्यूल, तो निपटा लेते हैं. एंड ये रही मेरी मार्कशीट. चलो ठीक है, मैं बहुत दिनों के बाद में ऐसे रिकॉर्ड कर रही ना लॉन्ग फॉर्म वीडियो, तो बहुत अजीब सा लग रहा है. अब मैं निकल रही हूँ, अब मैं जा रही हूँ, अब मैं खा रही हूँ. बस यार वो काम हो जाए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है मैंने डॉक्यूमेंट्स कम लिए हैं, और मैं इतने सारे लोगों से पूछ रही हूँ पर कोई नहीं बता रहा है कि एग्जैक्टली क्या उन लोगों ने सबमिट किया था उस समय. सब बोल रहे हैं अब हम भूल गए, तो मेरे फ्रेंड्स है, तो ऐसे ही होना था भाई. हम RTA एवेन्यू आए थे, जंगली जंगल लग रहा है मेरे को तो. मैं तो पहली बार आई हूँ यहाँ पे, विदाउट कलर भी है क्या, ऐसे ही कलर में नहीं हो गया रियाज, बहुत क्या काम है. स्कार्फ ही है सारे. तो ये देख लो, तो फिर एक कैंसिल करना पड़ेगा, हरा वाला कैंसिल कर दो. नहीं इतने सारे मत लो ना, फेंकने में नहीं जाते, बासी नहीं होते. तो भी क्या करूँगी इतना सारा. ये कितने का, इसका लेंथ क्या,
मैंने लिया है दिस स्कार्फ। ये एक स्कार्फ है, बहुत ही अच्छा मटेरियल इसका, आई गेस ये 180 समथिंग रुपीस का है। देन ना ये ज़ारिश के लिए, दिवाली वाले व्लॉग में आपको थोड़ा सा दिखाया था, ये देखो कितना प्यारा है, बैक साइड से दिखाती हूँ, पे लेस वगैरह भी है। और ज़्यादा ये तो कम वर्क है, इसके इससे ज़्यादा भी वर्क का था और ये बहुत ही प्यारा लगा मुझे। यहाँ पे ऐसे लेस का ये वर्क है, तो ये एक है और बहुत ही प्यारा ब्लू, बहुत डार्क ब्लू है ये, यहाँ पे थोड़ा सा लाइट लग रहा है बट रियल में थोड़ा और ज़्यादा डार्क है, बहुत प्यारा लग रहा है। देन मैंने ये स्कार्फ लिया है, अब ये भी ना जस्टिस नहीं कर रहा है, यहाँ पे तो एकदम बहुत ही गंदा कलर लग रहा है बट रियल में इतना खूबसूरत कलर है, क्यों नहीं आ रहा भाई। हाँ देखो कितना फ़र्क है, बट ये अभी भी उतना जस्टिस नहीं कर रहा है क्योंकि डायरेक्ट फ्लैश पड़ रहा है ना, तो ये सारी चीज़ें छुप जा रही है। तो माय गॉड, उसको दिख जाए भाई, नहीं दिख रहा। तो ये एक लिया है, ये भी यस आई गेस 180 रुपीस का समथिंग है। एंड मैंने फिर एक बाय किया है ये ब्लैक वाला स्कार्फ भी, तो ये भी एक है। और इसके ना साइड में, मतलब ऐसे नीचे साइड में ऐसे ये लगे हुए हैं। एंड मैंने बाय किया है ये अबाया, शॉर्ट अबाया, और ये भी बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा है, अच्छा खासा है, मैं तो आधी झकी जाती हूँ इसमें। और ये मुझे याद नहीं आ रहा है, आई गेस 40 समथिंग रुपीज़ का है ये कैप। फाइनली मैंने ये ले लिया, और अबाया लेने का तो मेरा बहुत टाइम से, मतलब पूरा एक साल से मैं सोच रही थी कि मैं लूँगी, एंड फाइनली ये अबाया भी और ये स्कार्फ भी, ये वाले, तो फाइनली हो गया। एंड दिस जैकेट, ये जैकेट लेने के, मतलब मैंने ये जैकेट जब चूज़ किया ना, तो इसके बाद मैं वापस से पूरी तिब्बती मार्केट जो है डबल से घूमी हूँ। ये बहुत ही प्यारा ऑलिव ग्रीन कलर है, एग्जैक्टली अब मैं ही कन्फ्यूज़ हो रही हूँ कि ये ग्रे है या ये ऑलिव ग्रीन है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, यस ये ऑलिव ग्रीन है। ग्रे कलर मुझे अच्छा लगा था बट उसमें मेरा साइज़ परफेक्ट नहीं आ रहा था, तो मैंने ये ऑलिव ग्रीन लिया और ये बहुत प्यारा लगता है। अभी मैं इसको पूरा वेयर करके भी आई हूँ पूरे रास्ते पर, और मस्त एक नंबर गरम गरम सा लग रहा था, और काफ़ी अच्छा है, लुक वाइज भी अच्छा है। मुझे थोड़ा गर्लिश लुक वाला नहीं चाहिए था ना, लास्ट टाइम मैंने 2 साल पहले आया था, दो साल पहले लिया था ना मैंने पिंक वाला, 2 या 3 साल पहले, तो ना वो बहुत गर्लिश लुक लग रहा था और मुझे उतना पसंद भी नहीं आ रहा था, मतलब ठीक है। और अब मैं मोटी भी हो गई हूँ ना, तो वो मेरे को गुस्सा नहीं है पहली बात। तो मैंने फाइनली ये जैकेट भी ले लिया। ये जैकेट के लिए मैं पूरा तिब्बती कम से कम 4 बार पूरा राउंड लगा के, क्योंकि मैंने एक एक दुकान की तरफ मैं ऐसे देख रही थी, शॉप नंबर डले हैं वहाँ पे देख रही थी कि ये वही है क्या, क्योंकि स्पेशली मुझे और ये वाला स्लीव्स चाहिए था ताकि ऐसे पैक रहे हाथ के तरफ से, तो ये स्लीव्स ढूंढने के लिए मुझे बहुत टाइम लग गया, क्योंकि देखो इस पे अंदर से भी कपड़ा है एंड बाहर से भी, तो कुछ ऐसा था। अभी मैं फ़िलहाल मतलब फ्रेश होके सो जाती हूँ, क्योंकि मुझे नींद भी आ रही है, मुझे बाहर भी जाना है कल। सो या हेलो, गुड मॉर्निंग। आज सुबह मैं उठी अपने ड्राई बालों के साथ में, क्योंकि 2 वीक हो गए हैं मैंने अपने बालों को वॉश नहीं किया है। मैं सोच रही थी कि मैं हेयर स्पा वगैरह करूँ, फिर नहीं हुआ और इतना डैंड्रफ हो गया है, और इसे ना वाइट फ्लेक्स मेरे बालों में जहावा दिख रहे हैं इवन, एंड ना बहुत ज़्यादा विजिबल हो जाते हैं जो वो फ्लेक्स होते हैं ना वाइट वाले। अब वो डैंड्रफ है क्या है मुझे तो वो भी नहीं समझ रहा है, बट डैंड्रफ है क्योंकि मेरा स्कैल्प भी बहुत ज़्यादा ईची सा फील होने लग गया है। तो मैंने सोचा सबसे पहले ऑयलिंग कर लेते हैं बालों को और उसके बाद में हेयर वॉश करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ड्राई भी हो गए थे बाल। तो मैं सोच रही हूँ मेरे जादुई पोटले में क्या है, मेरा जादुई पोटला, इसके अंदर मैं ढूंढूंगी कि मुझे क्या मिलेगा। एक्चुअली मुझे रिसीव हुआ था जिसको मैंने अभी तक ये यूज़ नहीं किया है, ये 2 प्रोडक्ट रिसीव हुए थे जिसको यूज़ करने का वक्त नहीं मिला, वक्त बोलो या फिर ज़रूरत नहीं पड़ी, पर जब ज़रूरत पड़ती है तो देखो ऐसी चीज़ें काम आ जाती है। आज हम इसी को यूज़ करेंगे, देखो अब बिल्कुल पैक्ड है ये। तो मैं जो है कंडीशनर स्कीप करती हूँ, पर मैं आज कंडीशनर भी लगाऊंगी, तो मैं यही वाला कंडीशनर यूज़ करने वाली हूँ। अब एक बार में तो नहीं समझ आएगा कि कितना अच्छा वर्क किया है या नहीं, पर फिलहाल अभी यूज़ कर रही हूँ तो मैंने सोचा आपके साथ में शेयर कर लेती हूँ कि मैं यूज़ कर रही हूँ ना। अब मैं पहले अच्छे से फ्रेश हो जाती हूँ, आपको फिर एकदम अलग मुखड़ा दिखाती हूँ मेरा। मैंने ये शैम्पू और कंडीशनर अभी यूज़ किया है, अभी एकदम से तो नहीं समझ आएगा रिजल्ट, थोड़ा इसको यूज़ करना पड़ेगा तभी समझेगा, बट ये यूज़ किया है तो आई थॉट आपके साथ में शेयर करते हैं। ये है मामा अर्थ का लेमन एंटी डैंड्रफ कंडीशनर एंड शैम्पू। लुक एट द कलर थीम।
आज मैंने इसके साथ में ट्विनिंग नहीं किया है, मैं आज ब्लू पेन कर आई हूँ। मेड सिर्फ सर्टिफाइड है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है एंड क्रुएल्टी फ्री भी है। आई डोंट थिंक कि डेली में इतना एफर्ट करने का किसी के पास टाइम है कि कोई डी आई वाई या होम रेमेडी करे, तो ये काफ़ी अच्छा सोल्यूशन है क्योंकि इसमें लेमन एंड जिंजर है। तो लेमन जो है डैंड्रफ को हटाने में मदद करेगा, जिंजर जो है ड्राई स्कैल्प वगैरह हो गया है, ईची स्कैल्प हो गया है, तो ये सबको हटाने में हेल्प करेगा। एंड अगर आप इंटरेस्टेड हो तो यूज माई कोड ANJR2023 टू गेट 20% ऑफ अवेलेबल ऑन अमेजॉन, नायका, फ्लिपकार्ट एंड purple.com एज वेल। आप मामा की खुद की वेबसाइट से भी ले सकते हो और अभी तो ऑफलाइन स्टोर्स पे भी अवेलेबल है, तो आप वहां से भी बाय कर सकते हो। एंड वन मोर थिंग, जब भी आप मामा के प्रोडक्ट बाय करोगे तो आपका ऑर्डर एक ट्री से लिंक किया जाएगा, जो मामा एम कर रहा है कि 2025 तक के 1 मिलियन ट्री प्लांट किया जाए। तो आप भी इस इनिशिएटिव का हिस्सा बन सकते हो उनके प्रोडक्ट्स बाय करके। नाउ अब मैं फटाफट से अपना जो है ये चिवड़े का जो है सिस्टम खत्म कर लेती हूँ एंड फिर मिलती हूँ। चिवड़ा तो मैंने बताया ही नहीं, ये रहा मेरा चिवड़ा। ये चिवड़े की रेसिपी जो है मैंने शॉर्ट पे अलग से डाली है, तो देख लेना, बहुत ही मस्त चटपटी स्पाइसी है, बहुत स्वाद। मुझे एक चीज़ अभी याद आया कि मैंने एक रेसिपी रिकॉर्ड किया था आप लोगों को दिखाने के लिए, तो आप वो रेसिपी देख लो। मैंने पहली बार जो है चिकन पुलाव बनाया था, तो उसका रेसिपी आप देख लो और मैं काम निपटा के आती हूँ। सो टुडे आई एम गोना मेक फॉर द फर्स्ट टाइम चिकन पुलाव। मैंने इसके पहले बिरयानी बनाया है बहुत बार, पर पुलाव ये पहली बार है। बहुत दिनों से इंस्टाग्राम पे एक रेसिपी को सेव करके रखा है, फाइनली आज वो दिन आ गया है, तो हम बनाएंगे चिकन पुलाव पहली बार और देखते हैं कैसा है। कुछ कुछ चीज़ें मैं ऐड ऑन कर दूंगी अपनी पसंद से। एंड आई नो आज मेरे बाल थोड़े चप्पू चप्पू लग रहे हैं क्योंकि मैंने हेयर वॉश नहीं किया है इसकी वजह से। नाउ बाकी बातें बाद में करेंगे क्योंकि लेट हो रहा है, 9 बजने को आ गया है, भूख भी लगी है, खाना बनने को भी टाइम लगेगा और जब किसी चीज़ को फॉलो करके बनाया जाता है तो और ज़्यादा वक्त लगेगा। सो एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए जी शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह बोल के। सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया ऑयल से, ऑयल डाला पानी क्यों बोल रही हूँ, देखो कितने दिनों के बाद वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, मुझे बोलना भी नहीं आ रहा है। उसमें कटी हुई प्याज डाला, प्याज को थोड़ा सा सुनहरा होने दिया और उसके बाद मैंने डाला अदरक लहसुन का पेस्ट एंड थोड़ा सा ना मिर्ची इस तरीके से दरदरा पीस लिया, एक ही बार घुमाया था मिक्सी में डाल के एंड उसके बाद ना वो भी डाल दिया और थोड़े से खड़े मसाले जो डाला है ना, वो मुझे ऐसा लगता है सबसे बड़ी गलती हो गई, उसका टेस्ट मुझे उतना अच्छा नहीं लग रहा था। वो सब डालने के बाद थोड़ा अच्छे से पका लिया एंड देन फिर डाल दिया टमाटर बारीक कटे हुए। टमाटर डालने के बाद मैंने डाला नमक और पिसी हुई लाल मिर्च, हल्दी, ये सब अपने अकॉर्डिंग ऐड कर दिया और थोड़ा सा धनिया पाउडर भी डाल दिया। और ना मैंने एक पाउडर बनाया था, मतलब खड़े मसाले का ही, उसको रोस्ट करके हल्का सा वो भी डाल दिया। उसके बाद मैंने उसमें चिकन ऐड कर दिया एंड उसको अच्छे से पकने दिया। जब अच्छे से थोड़ा बहुत पक गया था, मतलब ऑलमोस्ट 50% तो पक ही गया होगा, तब मैंने उसमें दही डाला और दही डाल के और पकाया। उसके बाद अच्छा खासा पक गया था हमारा चिकन, टेस्ट वगैरह कर लिया मैंने पानी डालकर, पानी अपने अकॉर्डिंग डालना है ठीक है। यहाँ पे ही पानी में आपको नमक ऐड करना है जितना आपको चावल में लगेगा, क्योंकि उसके बाद तो आप ऐड नहीं कर पाओगे। चावल डालना है, उबाल आ गया, थोड़ा सा दम वगैरह पे भी लगा दिया था, नींबू डालना भूल गई थी, नींबू डाल दिया एंड हमारा जो चिकन पुलाव है ना वो ऑलमोस्ट रेडी है। ऑलमोस्ट क्या, रेडी ही है। अब इसमें ना मुझे एक चीज़ लगी कि चिकन पुलाव के जो पीसेस है ना वो थोड़े वाइट वाइट से लग रहे थे। ओवरऑल इट वॉज़ गुड बट अप टू द मार्क नहीं था। आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हो। मैंने मट्टी के साथ बहुत इन्जॉय किया, बाकी ओके ओके सा था। इट्स नॉट द सेम डे और सेम हालत भी नहीं है, बहुत मेरा हेडेक हो रहा है और अब फिर से ही ना, मतलब फिर से ही मुझे बैक ये गर्दन साइड का ना पेन चालू हो गया है और इतना ज़बरदस्त सर दुख रहा है ना, कल से खाना खाने की भी इच्छा नहीं हो रही। थोड़ा थोड़ा खा रही हूँ पर वैसा वाला नहीं खा रही हूँ। अभी ये वीडियो इसलिए रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि मैंने गिव अवे का बोला है और मैंने ये भी बोला है कि दिसंबर में ये गिव अवे जाएगा, और अगर मैंने ये वीडियो और लेट किया तो फिर प्रॉपर नहीं हो पाएगा गिव अवे। इसलिए मैं अभी बिस्तर से उठकर आई हूँ, इवन वॉइस ओवर भी मैं अभी ही कर रही थी क्योंकि वक्त नहीं है ना, फिर दिसंबर निकल जाएगा, फिर गिव अवे मेरा जो था कि जनवरी में और दिसंबर में हो वो
मेरी सांस भी बहुत फूल रही है क्योंकि मुझे फिर से कफ का प्रॉब्लम चालू हो गया है। बड़ी मुश्किल से ठीक हुआ था। नाउ मैं अभी आप लोगों का गिफ्ट्स निकाल लेती हूँ कि दिसंबर के गिफ्ट अवे में क्या जाएगा एंड फिर आपको बताती हूँ। मामाअर्थ का परफ्यूम, सो ये मैंने बहुत दिनों से संभाल रखा था, मैं गिव अवे में ही देना चाहती थी, आई हैवेंट यूज्ड इट, तो इसी में है, इसका पैकेट यहाँ पे रखा है। देन ये नेचर फॉर नेचर का, दो बार स्प्रे किया है मैंने, वो बता दूँ, दो बार स्प्रे, वो भी वीडियो के लिए किया था, अदरवाइज आई हैवेंट यूज्ड दिस वन एज वेल। देन उसके बाद में ग्लो बूस्टिंग रूप अयूर का ये सुपर फूड फेस ऑयल है। एंड देन मामा अर्थ की लिपस्टिक है, मॉइस्चर मैट लिपस्टिक कार्नेशन न्यूड, इवन इसका पैकेजिंग भी नहीं ओपन किया है, तो ऑफकोर्स मैं एकदम फ्रेश वाला ही वीडियो दे गिव अवे दे रही हूँ आपको, क्योंकि मैंने यूज प्रोडक्ट का भी गिव अवे किया है ना, तो लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं ना, इसलिए बता रही हूँ। देन ये है पिंक ट्यूलिप, दिस वन इज ऑल्सो फ्रेश, सो यू विल गेट दीज प्रोडक्ट्स अगर आप गिव अवे जीतते हो तो। नाउ मैं आपको रूल्स बता देती हूँ। ऐसे यार अच्छा नहीं लगा है, बट क्या करूँ, मुझे बस रूल्स बताने हैं। आपको मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है, थोड़ा सा अपडेटेड रहिए। मैं जस्ट चाहती हूँ कि मेरे पास में ऑर्गेनिक ऑडियंस रहे, दैट्स इट। एंड आपको मेरे ये चैनल को सब्सक्राइब करना है, हर वीडियो पे कमेंट करना है। एंड मेरा दूसरा भी चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, तो आप वहाँ पे भी सब्सक्राइब कर लेना। एंड जस्ट वही एक्टिव रहना है, हर वीडियो पे कमेंट करना है, बस मैं और कुछ भी नहीं चाहती हूँ। कमेंट करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, और भी लोग पार्टिसिपेट कर पाए, क्योंकि जनवरी के लिए भी है, मैंने प्रोडक्ट्स निकाल रखे हैं, इसमें मैं ऐड भी कर सकती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आप ही लोगों के लिए रखती हूँ चीज़ें कि ना, मैं जब मुझे ब्रांड से कोई प्रोडक्ट आते हैं ना, तो मैं सोचती अरे मैं इसको गिव अवे करूँगी गिव अवे करूँगी, बट समटाइम्स ऐसा होता है कि एटलीस्ट वॉच करना ही पड़ता है, क्योंकि ब्रांड का ये होता है कि पूरे वीडियो पूरे प्रोडक्ट्स का स्वॉच होना चाहिए, तो समटाइम्स स्वॉच भी हो जाता है, क्योंकि आई एम नॉट अ बिग इन्फ्लुएंसर और बिग कंटेंट क्रिएटर, तो नहीं हूँ कि मेरा चल जाएगा कि हाँ मैंने नहीं किया तो, या मुझे ढेरों क्या बोलते ढीक से प्रोडक्ट्स नहीं आते हैं। सो बेसिकली इन शॉर्ट में मुझे जो बोलना था आप लोग समझ गए होंगे, तो बस आप लोग शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, आपके थ्रू भी जिन लोग जो लोग यहाँ पे ज्वाइन होंगे तो मुझे समझेगा कि आपके थ्रू ये लोग ज्वाइन हुए हैं एंड आपने अपना एफर्ट दिखाया है। एंड एक और एक चीज़ मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत बार सुना है कि बहुत से लोग सिर्फ गिव अवे के लिए आते हैं, बट थैंकफुली अब तक के मेरे साथ में ऐसा नहीं हुआ है। जो भी विनर रहे हैं वो लोग आज तक के मेरे साथ में हैं, एंड उसी में से एक नाम काजल बिष्ट है, क्योंकि मुझे याद है अच्छे से, बहुत अच्छे से याद है, इवन हीना वगैरह भी याद है मुझे, हीना आर्या वगैरह, बट आई गेस नीति गुप्ता, वो तो मुझे याद नहीं कि वो विनर थी या नहीं, बट मुझे अच्छे से याद है कि काजल बिश जो है ये मेरी गिव अवे विनर थी, और वो आज तक के मेरा चैनल देखती है, मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज, सॉरी मेरा ना दिमाग काम नहीं कर रहा है, मेरा बहुत सिर चकरा रहा है, तो इंस्टाग्राम पे भी मुझे कमेंट्स किसी का नहीं होगा बट उसका होगा, तो मैं शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि आप लोग हैं अभी तक के, आपको कुछ मुझसे मिलता नहीं है, स्टिल आप लोग मेरे वीडियोस देखते हैं, थैंक यू, और आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। राइट नाउ मैं बहुत, मेरा सिर ना फट रहा है, तो मैं अभी के लिए बाय बाय बोल रही हूँ एंड मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, बाय।